के कहे अनुसार मैंने अपनी जाके माया रचाई और महारीत से सोने का अमृत बन गया। मुझे वो सोने का अमृत ला दीजिए ना। सीते, सोने का अमृत तो होता ही नहीं, परंतु यदि तुम इच्छा रखती हो तो मैं तुम्हें उसे अवश्य ला दूंगी। लक्ष्मण, मैं वो सोने का अमृत पकड़ने जा रहा हूँ। पीछे से कुटिया और माता जानकी का ध्यान रखना। जी भैया, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं अवश्य ही माता जी की रक्षा करूँगा। लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण, मेरे प्राण बचाओ, मैं संकट में हूँ। देवर लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? हाँ, सुना माते, किंतु ये धोखे की आवाज है, अवश्य ही कोई राक्षसों का साज है। नहीं, अवश्य ही तुम्हारे भैया पर कोई संकट आया है, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। जाओ, तुम शीघ्र चले जाओ। संकट? त्रिलोक के नाथ पर संकट? माते, जिनकी भौं के केवल एकमात्र इशारे से पूरी सृष्टि का लय हो जाता हो, भला उन प्रभु श्री राम पर इस प्रकार का संकट आ सकता है? सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हो, पड़ेगा कष्ट क्या उन पर जो सबके कष्ट हरते हो? माँ, मेरा इस समय धर्म है ये, मैं रहूँ आपकी रक्षा पर, सर्वस्व न्योछावर है मेरा बड़े भाई की आज्ञा पर। तो क्या तू जाना नहीं चाहता जो इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें बनाता है? माते, जाने को तो मैं तैयार हूँ, परंतु बड़े भाई की आज्ञा से लाचार हूँ। अधर्मी राक्षस हैं ये, जाल धोखे के बिछाते हैं, हजारों रूप माया के घड़ी भर में बनाते हैं। किंतु लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, नेत्रों के आगे बिजली से कड़क रही है, शगुन अच्छे नहीं है। तुम इसी वक्त पंचवटी को छोड़कर मृग वाली दिशा में चले जाओ। तो क्या आपको अकेला छोड़ दूं? हाँ हाँ छोड़ दो, लेकिन यदि कुछ हो गया तो? लक्ष्मण, अब अधिक वार्तालाप करने का समय नहीं है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि इस वक्त पंचवटी को छोड़कर मृग वाली दिशा में चले जाओ। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, अजय ढीठ लक्ष्मण आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता है, इस ढीठ लक्ष्मण को क्षमा कीजिए। ओह, समझी, अब समझी। हे कपटी लक्ष्मण, मैं तेरे कहने का भाव अब समझी। तूने अवश्य ही पाप का संकल्प किया है, इसलिए तू मुझे अपनी बनाने के लिए अयोध्या से हमारे साथ आया है। किंतु तू याद रख, सच को झूठ में बदलना कोई खेल नहीं है, सतियों के धर्म को हरना कोई खेल नहीं है। गंधर्व, धनुष, देव यदि मिलकर भी आएंगे तो सीता को अपने धर्म में निश्चल ही पाएंगे। हे लक्ष्मण, मैंने जान लिया, सब स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से बन जो आए हो, मतलब कुछ और तुम्हारा है। घर के प्रपंचियों पर रहकर सब पाता नहीं हर कोई, जग में भाई सा मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। हे विधाता, हे विधाता, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? कैसे पाप का भागी बन रहा हूँ? मैंने ऐसे कौन से पाप करे हैं जो मुझे अपनी माता के मुख से ऐसे कठोर और अनुचित शब्द सुनने को मिल रहे हैं? आगे ये फूट जाए मेरी यदि बुरी नजर करूं, वो नरकवास पाप का चिंतन भी अगर करूं। श्रद्धाएं दिल में आपको वाचक दम्भे से जाग कर पूजता हूं, चरणों को आपके यदि माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुम्हें देती हूँ। लेने खुद ही लेने तो बस कीजिए माता, बस कीजिए, अपने मन को मैं आप ही जानता हूँ। लीजिए, लीजिए अपने बड़े भाई की आज्ञा को तोड़ता हूँ और आपकी आज्ञा को मानता हूँ। हे पवन देव, तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह हो तुम मेरी इस धर्मनाओ के, इस सूर्य देव मल्हा हो तुम। मैं आज्ञा पालन करता हूँ।
चढ़ना चाहे कहीं इस भूमंडल के राज्य का, सबको दरबार मनाता हूँ इस कुटिया के दरवाजे का। हे धरती, हे धरती हो जा सावधान, मैं तुझको चीरे देता हूँ तेरी छाती पे राम नाम की मैं आज लकीरें। तेरे द्वार खड़ाई पे जो तेरे द्वार खड़ाई पे जो ना मांगू मैं सोना चांदी, मांगू भिक्षा देवी तेरे द्वार खड़ाई पे जो तेरे द्वार खड़ाई पे जो। अलोक निरंजन भिक्षा देही। देवी ये साधु भूखा है, इसे थोड़ी भिक्षा दो। अभी लाई हूँ महाराज। रेखा लक्ष्मण यति रेखा, यदि आज ये लक्ष्मण रेखा पार की तो अवश्य ही मारा जाऊंगा। ये लीजिए महाराज, भिक्षा लीजिए। देवी हम बंदी हुई भिक्षा नहीं लेते हैं, यदि भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दो। मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर, मैं बाहर नहीं आ सकती, ये रेखा मेरे देवर की आन है। तो ठीक है, हम इस जोर से भूली लौट जाते हैं, परंतु इस अपराध का तुम्हें श्राप देकर जाएंगे कि तुम्हारा पति जो मृग के पीछे भाग रहा है वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, शक्ति ना पहचान। मैं अभी सीते हो सावधान, अब तू मेरे कब्जे में है। मैं लंका अधिपति रावण हूँ, अब तू रावण के पंजे में है। चलियो चलियो चलियो। अधिक मंडी है अधिक रोगी रावण जिसका नाम, रावण जिसका नाम घमंडी है अधिक रोगी रावण जिसका नाम, 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 रावण जिसका पहले तुझे ही मौत के घाट पहुंचाता हूँ।
मुझसे हुई। मैं शबनी उनकी परम भक्त हूँ और मैंने उन्हें किष्किंधा पर्वत की राह दिखाई और संघ ही ये उपाय बताया कि वहाँ के राजा सुग्रीव उनकी अवश्य ही सहायता कर सकते हैं और उन्होंने मेरे इस उपाय के बदले मुझे नवका भक्ति प्रदान करी। राम जी को बेर खिलाए रही शबरी, राम जी को बेर खिलाए रही शबरी, मीठे मीठे बेर हो मीठे मीठे बेर खिलाए रही शबरी, राम जी को बेर खिलाए। लेके आया हूँ, वहाँ जंगलों में दो मानव आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो हमारी पूरी वानर सेना उन पर हमला कर दे। हे हनुमान जी, आप तुरंत जाइए और पता लगाइए कहीं बाली भेस बदल कर तो नहीं आ रहा। यदि ऐसा हो तो आप मुझे सूचित कर देना ताकि मैं अपनी जान बचा के भाग सकूं। महाराज, अब कोई चिंता ना कीजिए, मैं अभी ब्राह्मण का रूप बनाकर जाता हूं और उनके भावों का पता लगाता हूं। हे महापुरुष, आप दोनों कौन हैं? आप दोनों ने ये तपस्वी वेशभूषा धारण की हुई है, मगर आप दोनों के चेहरे पर एक अलौकिक तेज है। देखने से आप दोनों कोई क्षत्रिय मालूम पड़ते हैं। हम अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र राम हैं और ये है मेरा अनुज लक्ष्मण। पिता के वचनों का पालन करने के लिए हम 14 वर्षों के लिए वनवास आए थे और मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी सीता भी थी, परंतु किसी दुष्ट राक्षस ने उसका हरण कर लिया और अब हम उसी की खोज में हैं। मैं तो आपको देखते ही पहचान गया था कि आप ही मेरे प्रभु श्री राम हैं। फिर भी अपना संदेह मिटाने के लिए आपसे परिचय ले गया था, परंतु आपने अपने इस भक्त को नहीं पहचाना प्रभु। ये कैसे संभव है कि हम तुम्हें ना पहचाने? हम जानते हैं कि तुम कोई ऋषि नहीं बल्कि हमारे प्रिय मित्र हनुमान हो। आपकी दिव्य शक्ति अपरंपार है प्रभु, आखिरकार आपने मुझे पहचान ही लिया। अब चलिए, मैं आपको शीघ्र ही वानर राज सुग्रीव के पास ले चलता हूँ, वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। फिर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम और महाराजा सुग्रीव की मित्रता करवाई और मित्रता के फल स्वरूप में प्रभु श्री राम ने पहले बाली का वध करके महाराजा सुग्रीव को उनका राज्य दिलवाया और प्रभु श्री राम ने फिर बाली के पुत्र अंगद को अपनी शरण में लिया। प्रभु श्री राम की ये दयालु श्रद्धा देख महाराज सुग्रीव ने भी उन्हें वचन दिया कि वो अपनी संपूर्ण वानर सेना के सहयोग सहित श्री राम की सहायता करेंगे।